हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज से बाहर के फंसे हिमाचल के लोगों को हिमाचल में आने के लिए पास के साथ अनुमति दे दी है। इसी के चलते सभी नियमों की धज्जियां यहां पर साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही। देखिए, हम ये खबर आपको कल दिन भर से दिखा रहे हैं, किस तरह से बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश के यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी, लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। हिमाचल सरकार की तरफ से कोई इंतजाम भी नहीं किए गए स्क्रीनिंग के, और जिस वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग अपने घरों में पिछले एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लॉकडाउन में कैद हैं। लेकिन शिमला के पास की तस्वीरें, लोगों की भीड़ की तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करती हुई तस्वीरें, लगातार लंबी कतारों वाली गाड़ियों की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि जमीन पर क्या वाकई लॉकडाउन की तरह पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन मतलब होता है जो जहां है वहीं रहे। लेकिन यहां देखिए, हिमाचल की सीमा में लंबी कतारें गाड़ियों की, लंबी कतारें लोगों की, को सोशल डिस्टेंसिंग का या पालन नहीं हो रहा है। हर किसी को बस ये जल्दी है कि वो अपने जिले, अपने घर, अपने गली, अपने गांव पहुंच जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अपने जिले, अपने गली, अपने गांव, अपने घर पहुंचेगा तो ना जाने क्या लेकर पहुंचेगा। लोगों को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को समझने की यहां जरूरत यह है कि यहां पर जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। ये जल्दबाजी ही तो है कि किस तरीके से यहां पर लोगों को पास के साथ आने की अनुमति दे दी गई और उसके बाद किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहां नहीं दिखाई दे रही, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, कोई दूरी नहीं आपस में लोगों के। और ये ऊना हिमाचल बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है सिर्फ और सिर्फ घर वापस लौटने के लिए, क्योंकि सरकार ने पास के साथ लोगों को वापस आने की अनुमति दे दी। और देखिए, बदइंतजामी देखिए, सरकार ने अनुमति तो दे दी गाड़ियों के पास के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की, लेकिन बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के इंतजाम नाकाफी थे। जो स्क्रीनिंग के लिए वहां पर कर्मचारी तैनात किए गए थे वो बहुत बेहद कम थे, इस वजह से भीड़ जमा हो गई। सुनवाते हैं आपको क्या हालात है वहां पर। जो लोग, जिनको नियमानुसार पास दिए गए थे उस समय से, तो वो लोग ऑल ऑफ सडन आगे थे, तो अब वो निकले हैं आज, तो अपने अपने घर में होम क्वारंटीन रहेंगे 28 डेज के लिए।